आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गिरिडीह जिले की गई सड़कें काफी जर्जर हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों जामताड़ा, जमुई, भाया, बेंगाबाद पथ काफी जर्जर है। ये सड़क पश्चिम बंगाल को झारखंड के जामताड़ा और गिरिडीह जिला होते हुए बिहार के जमुई जिले को जोड़ती है। इस मार्ग में महेश मुंडा से बेंगाबाद तक करीब 7 किलोमीटर और बेंगाबाद से चतरो तक 30 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर है। सड़क पर दर्जनों बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पूर्व मुखिया कार्तिक दास ने बताया, ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब इस सड़क के जीर्णोद्धार की मांग की है। बेंगाबाद के पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष महेंद्र वर्मा ने बताया कि सड़क का बनना काफी जरूरी है। इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां चलती है। इधर जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने कहा, विकास के प्रति राज्य सरकार काफी गंभीर है। गिरिडीह जिले में जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। गिरिडीह से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। पथ करीब 28 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, क्या कहेंगे? देखिए, बेंगाबाद चतरो पथ है, जो पथ निर्माण विभाग है, इसकी टेंडर बहुत पहले की है, कुछ दूर तक काम भी हुआ है, लेकिन इसके बाद जो इसके संवेदक हैं वो कुमकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पूरी तरह से विकास कार्यों से एकदम निकम्मा साबित हो रही है। पुल पुलिया सभी ध्वस्त हो गए हैं, रास्ता में चलना दुर्लभ हो गया है, अनिवार्य सेवा पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और आए दिन लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, दुर्भाग्य है कि ऐसे हाथ में सरकार चली गई है, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या डिमांड है आपका? मेरा ये मांग है कि बेंगाबाद चतरो पथ अविलंब कार्य प्रारंभ किया जाए, क्योंकि ये पिछले सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय इस रोड का काम शुरू हुआ था, और किस कारण से अब तक बंद है, पब्लिक वाहपोह की स्थिति में पड़ा हुआ है। किन किन जिलों को जोड़ती है ये सड़क? ये झारखंड और बिहार, सबसे दो स्टेट को जोड़ती है, झारखंड और बिहार को ये जोड़ती है। कई प्रखंड इसमें आते हैं और गिरिडीह जिला, जमुई जिला को ये जोड़ती है रोड। देखिए, हम लोग का ये जो रोड जो है देख रहे हैं आप, ये रोड बंगाल से बिहार जोड़ने वाला सड़क है, और ये सड़क जो है सो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक था, लेकिन कुछ दिनों से मैंने ये रोड जो है सो एकदम जर्जर हो गया, और इतना जर्जर हो गया 5 फीट 7 फीट गड्ढा हो गया है, जिसमें से मैंने हम लोग का मैंने इतना कठिनाई करना पड़ रहा है, और जो बड़ा बड़ा गाड़ी है वो आना जाना तो बिल्कुल बंद हो गया, और हम लोग तो भी अब मैंने दो चक्का वाहन जो है वो आने में से हम लोग का मैंने बहुत एकदम से दुर्लभ हो गया कि इस रोड में हम लोग कैसे गुजरेंगे। इसलिए हम कहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि ये रोड जो है सो एकदम अविलंब बनाने के लिए एकदम कोशिश करें, ताकि जनता जो है सो इस पर आ जा सके, और यहाँ जो है सो इस जगह ये रोड से जितना बंद हो गया है, अभी रोड जो है सो यहाँ से मैंने 20 किलोमीटर के दूरी से तय करके जाना पड़ता है बिहार, लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो 20 किलोमीटर क्यों तय करना पड़ता है उसको, हमारा जब यहाँ 5 किलोमीटर के दूरी में है, ये आगे एनएच है, पीछे भी एनएच है, ये 5 किलोमीटर के दूरी है, ये रोड बनना चाहिए। पिटकोरिया से बहादुरपुर तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, क्या प्रयास होगा सर? देखिए, ऐसा है कि मैंने हम लोगों से रोड बनने और रिपेयरिंग का अनुशंसा मांगा गया था। मैंने इस रोड का नाम ले रहे हैं पिटकोरिया से बहादुरपुर, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, सरकार के संज्ञान में है, और उसका एस्टिमेट बनने के लिए सरकार के द्वारा ऑर्डर भी आया है। निश्चित रूप से ये सब रोड हमारी प्रायोरिटी है, इसको मैं बनवाऊंगा।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।